भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था। इस मैच को देखने के लिए देश भर से वीवीआईपी पहुंचे थे। हालांकि मैच के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी देखने को मिली। दरअसल जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो उस वक्त एक शख्स क्रिकेट के मैदान में घुस आया। अब मैदान में घुसने के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कैसे शख्स सुरक्षा बेड़े को पार करता हुआ भारी सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए पिच तक पहुंच जाता है। ग्राउंड में उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए थे और इसी का फायदा जॉनसन वेन ने उठाया था। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें जॉनसन वेन टीम इंडिया की नीली जर्सी पहने हुए नजर आ रहा है। नीली जर्सी पहने होने की वजह से किसी का शक उस पर ना जाए, इसका उसने फायदा उठाया और अचानक टीम इंडिया की जर्सी उतार कर उसके नीचे फिलिस्तीन के समर्थन में पहनी हुई जर्सी पहनकर मैदान में कूद गया। इसके बाद इस वीडियो को देखिए। नीली जर्सी के समुद्र के बीच से एक सफेद टी शर्ट पहने शख्स बाहर आता है और काफी तेजी से सुरक्षा बाड़े पर चढ़ जाता है और उसे पार कर जाता है। उसे पकड़ने के लिए एक सुरक्षाकर्मी बाड़े पर कूदता है लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वहां मौजूद 6 से 7 सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन वो उन्हें काफी फुर्ती से छकाता हुआ बाउंड्री रोप के पीछे लगे बोर्ड्स को फांद जाता है और सीधे पिच पर कोहली के पास पहुंच जाता है। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति का नाम जॉनसन वेन है और वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। बताया जा रहा है जॉनसन वेन नाम का ये लड़का परमानेंट अटेंशन सीकर रहा है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया में इस पर कई केस हो चुके हैं। ब्रिस्बेन में पहले भी इस प्रैंकस्टर पर इसी प्रकार का केस हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसके पिता चाइना के और माँ फिलीपींस की है। शुरुआत इसने टिकटॉक प्रैंकस्टर के तौर पर की थी और इसके बाद इससे पहले भी वो कई खेलों में बाधा डाल चुका है।